वेलकम व्यूवर्स, आज हम जींस के जेब से मोबाइल पाउच बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें दो खाने रहता है, ये पहला खाना और एक ये खाना। इस तरीके से कैरी बैग में मोबाइल चार्जर के साथ इसको चार्जिंग करने का बहुत बढ़िया काम आता है। तो इसके लिए हम जींस का कपड़े का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट के लिए पट्टी कट कर लेते हैं। अब इसके लिए जेब में मार्किंग करेंगे पीछे पल्ले से, इस तरीके का एक एक इंच मार्जिन लेकर के इसको कट कर लेना है। चारों तरफ से इसको कट कर लेते हैं, ये इस तरीके से। अब दो पल्ले और कट करेंगे प्लेन फैब्रिक से, जींस में से ही। और मोबाइल का इसमें जो फोम सीट आता है उसको इसमें अटैच करेंगे ताकि हमारा जो चार्जर है वो अच्छे से मजबूत रहे। और एक पल्ले को हम इसमें अटैच कर लेंगे, इस तरीके से सिल लेंगे और कवर करके देखते हैं इसको सही बैठ रहा है कि नहीं। तो ये ठीक है। अब ऊपर में इसको सिल लेंगे, नाप के इसको सिल लेते हैं इस तरीके से। अब अंदर करके पैक कर देंगे इसको इस तरीके से। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। मेरा काम यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं आपको मेरे डिज़ाइंस, मेरा जो स्टिचिंग कटिंग टेलरिंग का वीडियो है वह आपको समझ आता है कि नहीं। अगर समझ नहीं आता है तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको किस तरीके से और सीखना है। वैसे मैं प्रयास करती हूँ कि आपको सरल तरीके से सिलाई संबंधी जानकारी और कटिंग टेलरिंग का जानकारी आपको अच्छे से दे सकूँ। तो इस तरीके से हम बेल्ट को भी, दोनों बेल्ट को एक साथ अटैच कर लेंगे। इसमें मोबाइल को रख के चार्जर के साथ इसको लटका सकते हैं। और मोबाइल जहाँ पर हैंगर नहीं है तो ये हैंगर का ही यूज़ करता है, हैंगर जैसे काम करता है, बहुत यूज़फुल चीज़ है यह। आपके पैसे को भी बचाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इस तरीके से बेल्ट है इसका कैरी जैसे, तो इसको पकड़ के ले जाते भी बन जाता है इजीली। और मुझको यह बनाते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यह काम का चीज़ है बहुत। इस तरीके से हमने अंदर में इसको पैक कर लेना है। अब सीधे तरफ सीधी रख के मैं इसको दोनों को एक साथ जोड़ दूंगी इस तरीके से और सिल लूंगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। अब इसको कट कर लेंगे चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ ताकि सफाई अच्छी रहे। अब इसको सीधा करके देखते हैं, कोने को इस तरह से कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पलटने में असुविधा होती है। तो इस तरीके से इसको सीधा कर लेते हैं और देखिएगा कितना सुंदर यह बन के तैयार हो जाता है। जैसे पहले को देख रहे हैं बिल्कुल सुंदर, ये भी उसी तरीके से बनेगा। ये देख रहे हैं आप, देखिए। चाहे तो इसके सामने में आप बटन लगा के इसको बंद कर सकते हैं, चैन लगा सकते हैं और जीप लगा सकते हैं। जीप का मतलब जो चिपक